हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल HD ओनली में। तो दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने लाइनमैन, कारपेंटर, सब इंस्पेक्टर, प्लम्बर और अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है वो 8वीं 10वीं पास वाले तक भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एज लिमिट क्या है, इसकी फॉर्म की फ़ीस क्या रखी गई है और इसमें पोस्ट कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और तब तक आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ग्रुप बी, ग्रुप सी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 जो कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और दोस्तों, इसमें इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज़ रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI एंड सब इंस्पेक्टर SI अंडर ग्रुप बी। ये सारी पोस्ट जो है वो अंडर ग्रुप बी के अंतर्गत हैं। और फिर ग्रुप सी में दोस्तों वेरियस पोस्ट ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस BSF वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 17 मार्च 2024, यानी कि 17 मार्च 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। और दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो डेट सबसे पहले दोस्तों इसमें जो रखी गई है अप्लीकेशन स्टार्टिंग की, वो 17/3/2024 को रखी गई है। और दोस्तों, इसमें जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15/4/2024 तक रखी गई है। और एग्जामिनेशन फीस की जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, वो भी 15/4/2024 तक रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, एग्जाम डेट जो है वो अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको इसमें प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड भी जब आएगा तो बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस देखा जाए तो एप्लीकेशन जो फ़ीस रखी गई है वो जनरल OBC EWS वालों के लिए 147.2 यानी कि 147.20 पैसा, और SC ST PH वालों के लिए 47.20 पैसा रखी गई है। और साथ में आल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 47.20 पैसा ही जो फीस रखी गई है वो रखी गई है। और उसके बाद दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस पेमेंट कैसे करना है, तो ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एज लिमिट जो रखी गई है, एज लिमिट तो वो एज लिमिट 15/4/2024 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए, और SI वर्क्स एंड SI इलेक्ट्रिकल के लिए। और दोस्तों, बाकी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 ईयर रखी गई है। तो मैक्सिमम SI इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 30 वर्ष है, और बाकी जो पोस्ट हैं दोस्तों उसके लिए 18 से 25 ईयर रखी गई है। और कुछ पोस्ट और हैं एज लिमिट जिसमें मैक्सिमम 20 से 25 ईयर रखी गई है, पोस्ट वाइज रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर BSF एड कॉन्स्टेबल ASI एंड कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग को जो एक्स्ट्रा मतलब कि OBC के लिए जैसे 3 वर्ष और ST ST के लिए 5 वर्ष की जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी ही। और इसमें दोस्तों, अगर टोटल वैकेंसी देख लिया जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी वो पद हैं, टोटल 82 पद हैं जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है दोस्तों। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी अगर हम देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के जो पद हैं वो टोटल 13 पद हैं, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में सब इंस्पेक्टर SI वर्क्स के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसी भी एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहीं से भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, इंजीनियरिंग में। उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या है, तो इसमें एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी इसमें क्या रखी गई है, तो मेल की हाइट जो हो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद अगली है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर SI इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट 9 है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब कि इसमें डिप्लोमा चाहिए पॉलिटेक्निक जिसे कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी इसमें मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर ही रखी गई है, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर ही होगा, और उसके बाद फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल प्लम्बर की, जिसमें कि टोटल पद देखा जाए तो एक ही पद है। और इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो
10th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास हो, साथ में ही ITI सर्टिफिकेट हो प्लम्बर ट्रेड से, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो रिलेटेड ट्रेड से, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 ईयर एज लिमिट रखी गई है इसमें। उसके बाद जो इसमें मेल की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और उसके बाद फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है, अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल ऑपरेटर। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो एक पोस्ट है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट, वही 10th पास हो, साथ में ही ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसमें कारपेंटर ट्रेड और तीन कारपेंटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद इसमें एज लिमिट जो है 18 से 25 ईयर ही रखी गई है। और फिजिकल देख लिया जाए तो मेल की जो हाइट है इसमें 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81, वही फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर इसमें भी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल, वो है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की, जिसमें टोटल पद है 13। इसके लिए आपके पास क्लास 10th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीसियन वायरमैन और लाइन लाइनमैन ट्रेड से, अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। उसके बाद इसमें फिजिकल जो, और एज लिमिट दोस्तों इसमें क्या है, तो एज लिमिट 18 से 25 ईयर ही रखी गई है। फिजिकल इसमें क्या होगा, तो इसमें मेल की हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल जनरेटर मशीन मैकेनिक की। इसमें टोटल पोस्ट देखा जाए तो 14 पोस्ट हैं, इसमें टोटल पोस्ट 14 हैं, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट जो है इसमें 18 से 25 ईयर इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। और फिजिकल में दोस्तों मेल की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर इसमें भी रखी गई है, और मेल का जो चेस्ट है वो 76 से 81 होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल लाइनमैन की जो पोस्ट है इसमें टोटल देखा जाए तो 9 पद हैं। इसमें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। उसके बाद दोस्तों जो इसमें एज लिमिट है वो भी 18 से 25 एज लिमिट रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाए एलिजिबिलिटी, तो मेल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट वही 76 से 81 सेंटीमीटर, और फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक यानी कि SI। इसमें टोटल पद देखा जाए तो 8 पद हैं, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में 3 ईयर 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड और ग्रुप X डिप्लोमा इशू बाय इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स के द्वारा जो रिलेवेंट ये ट्रेड से डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए आपके पास। और इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर इसमें लिया गया है, और फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की ASI की। ये भी इसमें टोटल पद कितने हैं, तो इसमें 11 पद हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो डिप्लोमा इन जनरल सिविल एविएशन इन टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और ग्रुप X रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन एयरफोर्स। इसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्राप्त जो सिविल एविएशन में टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 28 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। फिजिकल देखा जाए तो फिजिकल में मेल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 76 से 80 सेंटीमीटर इसमें भी रखा गया है। फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर ही रखी गई है। फिर उसके बाद अगली पोस्ट जो रखी गई है दोस्तों वो है कॉन्स्टेबल स्टोरमैन की, जिसमें टोटल पद है 3। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्लास 10th मैट्रिक विथ साइंस एंड 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, 10th हो साथ में साइंस सब्जेक्ट से और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 25 ईयर रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं इसमें, तो मेल की जो हाइट है इसमें 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और चेस्ट देखा जाए मेल का तो 80 से 85 इसमें रखा गया है। और दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट ये रही www.bsf.gov.in पर। यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस ऑन वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसको देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।